नमस्कार दोस्तों, एक नया वीडियो पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों ब्लूटूथ रिसीवर के बारे में आप लोग सब सुने ही होंगे। एक ब्लूटूथ रिसीवर अगर आप मार्केट से परचेस करने जाएंगे 80-120 रुपीस के अंदर आपको मिल जाता है। व्हाइट और ब्लू कलर में ये आता है, ये 80-120 रुपीस के अंदर आपको मिल जाता है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है, ये जो रिसीवर है ये रिसीवर मोनो रिसीवर है, ये स्टीरियो रिसीवर है नहीं दोस्तों। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं जो परचेस किया हूं एक ब्लूटूथ रिसीवर जो स्टीरियो रिसीवर है, और उसका प्राइस भी काफी अलग है इससे। इसका प्राइस 500 है दोस्तों। स्टीरियो रिसीवर मतलब हो गया 2.1 स्टीरियो इससे निकलेगा, ठीक है दोस्तों। और ये जो रिसीवर आप देख पा रहे हैं, ये जो 120 वाला या 80 रुपीज वाला, ये होता है मोनो रिसीवर, ओके। इसमें कोई स्टीरियो नहीं मिलता है। जितना स्टीरियो आपको एक्चुअल जो स्टीरियो होता है वो साउंड आपका स्टीरियो रिसीवर में मिलेगा। ये है पगारिया कंपनी का स्टीरियो रिसीवर। ये मेरे पास इस तरीके से ही आया है, इस तरीके से बॉक्स पैक मेरे को भेजा गया है। ये है बॉक्स, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये है बॉक्स इसका। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, पगारिया 2-in-1, ओके। 2-in-1 क्यों, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो मॉडल नंबर है KN330, इसका मॉडल नंबर आप देख पा रहे हैं। वीडियो शुरू करने के पहले दोस्तों, अगर आप मेरा चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इट्स फ्री, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरा हर एक नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। कमेंट में जरूर बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आप मेरा चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि मेरा हर एक नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शुभ्रतो, और आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सटेंशन, सच्चाई के साथ तकनीकी ज्ञान का विस्तार। तो मैं इसमें वापस आ रहा हूं। ये पगारिया 2-in-1 ब्लूटूथ रिसीवर, ये आप देख पा रहे हैं, ये ब्लूटूथ रिसीवर है दोस्तों, ठीक है। और ये ब्लूटूथ जो रिसीवर है, इस पे यहां पे लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है ब्लूटूथ BT 5.0 और स्टीरियो साउंड, लो लेटेंसी, नो नॉइज। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस पे कोई नॉइज नहीं आता एक्स्ट्रा। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है सुइटेबल फॉर, ये देख पा रहे हैं आप, हर एक आइकन दिया हुआ है, यानी सब कुछ सपोर्ट करता है। मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ ट्रांसमीटर मोड और रिसीवर मोड, यहाँ पे दोनों मोड मिलता है, ये देख पा रहे हैं आप। इसको बारीकी से हम आपको समझाएंगे, फिलहाल इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये मैं खोल रहा हूँ इसे, तो बस यही है, इसके अंदर और कुछ नहीं है, ये देख पा रहे, यही पाउच है। ये पाउच के अंदर क्या क्या मिल रहा है देखिए दोस्तों, एक केबल मिल रहा है 3.5 mm, और आपका ब्लूटूथ डोंगल मिल रहा है, यानी ब्लूटूथ एडाप्टर, ठीक है। इसे जल्दी से करते हैं ओपन। तो ये है दोस्तों केबल, नॉर्मल केबल है, 3.5-3.5 mm केबल, ऑक्स में आपका ये ब्लूटूथ बजाने के लिए। और देख पा रहे हैं ये स्टीरियो है, दो दाग है यहाँ पे, तो ये स्टीरियो 3.5 mm केबल है। इसको रखते हैं, और इसके अंदर दोस्तों एक पेपर मिल जाता है कुछ इस तरीके का। इसमें आपका सारी डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है, कैसे आपको कनेक्ट करना है। और ये आपका हो गया सपोर्ट के लिए, नंबर दिया हुआ है यहाँ पे। और ये है दोस्तों आपका ब्लूटूथ डोंगल, ये देख पा रहे हैं आप, ये है दोस्तों ब्लूटूथ डोंगल। जैसे कि मैं बता रहा था दोस्तों कि ये दो मोड पे काम करता है, एक रिसीवर मोड और एक ट्रांसमीटर मोड। ट्रांसमीटर मोड और रिसीवर मोड के लिए यहाँ पे बटन दिया हुआ है। अगर आप रिसीवर मोड में रखना चाहते हैं, यानी गान भेज के आप चलाना चाहते हैं, तो RX मोड, और TX मोड जो है वो ट्रांसमीटर मोड है, अगर आप गाना रिसीव करना चाहते हैं। ये दोनों चीज़ के बारे में हम आपको समझा देते हैं दोस्तों। मान लीजिए ये ब्लूटूथ एडाप्टर को आप अपना होम थिएटर पे लगाए, या म्यूजिक सिस्टम पे आप लगाए, और आप अपना मोबाइल से कोई भी गाना प्ले कर रहे हैं, वो ब्लूटूथ को कनेक्ट कर, इस ब्लूटूथ को कनेक्ट करते हुए जो आपका इंसर्ट किया हुआ है होम थिएटर या म्यूजिक सिस्टम पे। ये मैं प्रैक्टिकली हम आपको दिखाऊंगा, पहले मैं समझा दे रहा हूँ आपको कि ये रिसीवर मोड और ट्रांसमीटर मोड क्या अलग क्या होता है। तो जब आप गाना प्ले कर रहे हैं अपने मोबाइल से, वो चीज़ आपका इसके जरिए अपना म्यूजिक सिस्टम जो नॉन ब्लूटूथ डिवाइस है, आपका होम थिएटर जो नॉन ब्लूटूथ डिवाइस है, उसमें गाना बज रहा है। तो ये हो गया ये रिसीविंग मोड, यानी ये रिसीव कर रहा है, ठीक है। अब ट्रांसमीटर मोड के बारे में सुन लीजिए, जब ट्रांसमीटर मोड करना होगा तो आपको ये नीचे करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, ये नीचे हो गया, तो ट्रांसमीटर मोड ऑन हो गया। ये ट्रांसमीटर मोड का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपके घर में कोई बड़ा सा एक म्यूजिक सिस्टम है,
जो म्यूजिक सिस्टम में ब्लूटूथ नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए उसमें ये लगा दिए आप, ठीक है, उसमें ये डाल दिए, या टीवी मान लीजिए, टीवी में आप इसको डाल दिए, एलईडी टीवी में आपको यूएसबी पोर्ट मिलता ही होगा, ये मोड ऑन रखते हुए, टीएक्स मोड ऑन रखते हुए, ठीक है, टीएक्स मोड ऑन रखते हुए जैसे ही आप उसमें डाल दिए और अपना कान में एक ब्लूटूथ हेडफोन आप डाल दिए, आप वो टीवी का साउंड आपको सुनाई देगा ब्लूटूथ के जरिए, सिर्फ इसके जरिए ट्रांसमीटर मोड पे दोस्तों। तो ये होता है ट्रांसमीटर मोड, यानी ये ब्लूटूथ रिसीव कर सकता है और ब्लूटूथ से गाना आपको दूसरे डिवाइस में प्ले करने के लिए थ्रो भी कर सकता है। तो ये जो ब्लूटूथ डिवाइस है दोस्तों, इस काम के लिए ये बना हुआ है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक पोर्ट दिया हुआ है 3.5 mm पोर्ट, मैं दिखा दे रहा हूँ, ये जो 3.5 mm केबल इसके साथ आ रहा है, ये इसके साथ इंसर्ट हो जाता है, ये देख पा रहे हैं आप। अब इसे आप कोई भी प्लेयर में लगा के आप गाना प्ले कर सकते हैं और ये ब्लूटूथ एनेबल हो जाएगा, इसे पावर भी मिल जाएगा और आप फोन से गाना बजा सकते हैं। तो ये था दोस्तों ये प्रोडक्ट के बारे में जानकारी। अब मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ कि ट्रांसमीटर मोड और रिसीविंग मोड का पूरा पिक्चर, जिससे आपका क्लियर हो जाए कि एक्चुअली मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों इसे मैं अभी मेरा घर पे एक म्यूजिक सिस्टम है सोनी का, उसमें हम प्ले करके दिखाएंगे, और एक मेरा होम थिएटर है जो फिलिप्स का है, उसमें भी हम इसे डाल के प्ले करके दिखाएंगे। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो खरीदने का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप परचेस कर सकते हैं। ये कोई भी एफिलिएट लिंक नहीं है, ये जनहित में जारी है दोस्तों, सब लोग खरीद सकते हैं, इसमें कोई भी एफिलिएट लिंक नहीं है और कोई भी मेरे को इससे कमीशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ से जाके आप बिंदास परचेस कर सकते हैं। एक चीज़ मैं दोस्तों बोलना चाहूँगा, इस प्रोडक्ट का डुप्लीकेट प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है जो 200-250 रुपये में आपको मिल जाएगा, लेकिन जो लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहाँ से जाके आप परचेस कीजिए, आपको डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट आपका घर तक पहुँचेगा ब्लू डार्ट कुरियर से। ये मेरा ब्लू डार्ट कुरियर से ही आया है, तो सावधान रहिए इस बारे में। अगर आपका डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिल गया आपको, ये दो मोड जो दिया हुआ है दोस्तों, ये दो मोड काम नहीं करेगा, सिर्फ एक ही मोड काम करेगा। और सबसे बड़ी बात है, इसका लो लेटेंसी है और नो नॉइज़ फीचर है इसमें, जो आपको उसमें नहीं मिलेगा। तो चलिए मैं सबसे पहले मेरा सोनी म्यूजिक सिस्टम इसे कनेक्ट करते हैं, और कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ वो देख लीजिए वीडियो में, और उसके बाद मैं फिलिप्स होम थिएटर में भी इसके कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये देख पा रहे हैं मेरे पास जो सोनी का म्यूजिक सिस्टम है, इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है ब्लूटूथ सिस्टम। ये देखिए पगड़िया, ये सिर्फ एक शाओमी का ये जो एडाप्टर है इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, और एक केबल मेरे पास है जो 3.5 mm टू आपका जो ये जो केबल है, देखिए ये ऑडियो केबल है, ऑक्स केबल है, ये केबल इसके पीछे से आप देख लीजिए तब आपको समझ में आएगा। ये देखिए ये केबल है, ठीक है, ये केबल आपका वहाँ पे गया है, ठीक है। तो ये ऑक्स केबल लेफ्ट एंड राइट इसके अंदर आ गया, इसके पीछे आ गया, ओके। और वही चीज़ आपका यहाँ पे ब्लूटूथ के साथ ऑडियो 3.5 mm में ये कनेक्ट हुआ है, ठीक है। और मेरा फ़ोन से हम गाना चला रहे हैं तो आप देखिए ये गाना बजेगा इसमें। ये देख पा रहे हैं ये मेरा होम थिएटर है, फिलिप्स का होम थिएटर, ठीक है। ये स्पीकर लगा हुआ है, ठीक है, और नीचे में ये रखा हुआ है ऊफर, ये आप देख पा रहे हैं ऊफर रखा हुआ है फिलिप्स का, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों ये जो है ये यूएसबी में कनेक्ट हो जाएगा। ऊपर में जैसे मेरा वो म्यूजिक सिस्टम था उसमें पावर देने के लिए हम इसे यूज़ कर रहे थे, ये देख पा रहे हैं आप, शाओमी का एक नॉर्मल सा एक चार्जर है जिसके पीछे यूएसबी था, और इस यूएसबी में मैं ये यूएसबी डोंगल को यानी ब्लूटूथ डोंगल को इंसर्ट करने के बाद ये पावर मिल जा रहा था इसको, और ये काम करना शुरू कर दे रहा था। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट पोर्ट दिया हुआ है, इस पोर्ट पे ये इसको डाल देना है सिर्फ, ठीक है। तो इसे मैं डाल देता हूँ चलिए, और ये आपको देखना है ये किस मोड पर है, ये आर एक्स मोड पर है यानी रिसीविंग मोड पर। तो इसे हम डाल देते हैं यहाँ पर, ये देखिए एक काम हो गया, इसे हम हटा देते हैं दोस्तों, इसका ज़रूरत अभी नहीं है। दूसरा ये जो एक केबल था, जैसे ऊपर में भी आप देखे थे, हम म्यूजिक सिस्टम में भी ये इंसर्ट करने के बाद ही
ब्लूटूथ इनेबल हुआ। तो सबसे पहले ये ऑक्स को, इसके पीछे जो ऑक्स पोर्ट है वहाँ पे आपको डालना होगा। चलिए ऑक्स पोर्ट मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है ऑक्स पोर्ट, ये आप देख पा रहे हैं, ये दो पोर्ट है ऑक्स पोर्ट, ये वाला और इसके नीचे वाला। तो यहाँ पे हम इसे डाल दे रहे हैं, ये देख पा रहे हैं आप, हम इसे डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। तो ये ऑक्स पोर्ट में डाला हुआ है और ये जो है 3.5 mm को हमको डालना है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर डाल देना है। बस आपका ब्लूटूथ का सेटअप ख़त्म है। और ये जो नॉन ब्लूटूथ डिवाइस है होम थिएटर, ये अब ब्लूटूथ डिवाइस बन चुका है, यह ब्लूटूथ डिवाइस बन चुका है। चलिए इसे पावर देते हैं, ठीक है, पावर यहाँ पे ऑन किया हुआ है, चलिए इसे हम पावर देते हैं। यहाँ से मैं इसको खोल देता हूँ और इसे इंसर्ट कर देता हूँ और पावर दे देता हूँ। देखिए ये पावर आ गया इस पर। तो चलिए इसे करते हैं ओपन। तो ये है इसका रिमोट, देख पा रहे हैं आप, देखिए। और यहाँ पे देखिए ये ब्लिंक होना शुरू हो गया, यानी ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा, यहाँ से आपको ऑक्स में जाना पड़ेगा, ये देखिए ऑक्स आ गया। अब मोबाइल से कोई गाना बजाना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे पहले मेरे को जाना होगा सेटिंग्स में। तो यहाँ पे मैं सेटिंग्स में चले जाता हूँ और यहाँ से आपको चूज़ करना है ब्लूटूथ, ठीक है, और ब्लूटूथ को ऑन कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये देखिए कनेक्टेड हो गया, क्योंकि ये एक बार कनेक्ट हो चुका है इस फ़ोन के साथ, इसीलिए ये बहुत जल्दी ये ले लेता है, ठीक है। और इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, इस पे इंटरनेट ऑन कर दीजिए। मेरा यहाँ पे वाईफाई चल रहा है, ये देख पा रहे हैं आप, मेरा यहाँ पे वाईफाई चल रहा है, ठीक है। तो जैसे ही वाईफाई चल रहा है आप देख लिए, तो वाईफाई ऑन कर दिया और यहाँ पे कोई भी हम एक गाना प्ले करते हैं, तो देखिए ये बजेगा। यूट्यूब से ही मैं कोई गाना प्ले करता हूँ, ठीक है। तो चलिए कोई भी एक गाना प्ले करते हैं, यहाँ पे NCS में चले जाते हैं नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक के लिए, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। देखिए ये गाना बज रहा है, ठीक है, तो ये गाना बज रहा है दोस्तों। तो इस तरह आप लोग कोई भी रिसीवर आप जब खरीद रहे हैं तो पहले पता कीजिए कि वो स्टीरियो रिसीवर है कि नहीं। दोस्तों मैं बहुत छानबीन किया तो स्टीरियो रिसीवर सिर्फ मेरे को यही मिला पगड़िया का, इससे ज़्यादा प्राइस वाला भी है, 4,000, 5,000 रुपया, 6,000 रुपया तक भी है, 10,000 रुपया तक भी है, आपको स्टीरियो रिसीवर मिलेगा, उसका क्वालिटी और बढ़िया है। तो 120 रुपये, 80 रुपये में जो आप लोग चाइनीज़ खरीदते हैं वो मोनो रिसीवर होता है और ये स्टीरियो रिसीवर है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आने से जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ऐसे ही वीडियो आपको मेरे तरफ से मिलते रहेगा। जरूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरा हर एक नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।